हेलो दोस्तों, आज हम वॉलीबॉल अंडर 14 टीम को लेके अल्मोड़ा जनपद के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। जिला स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने ये सारे बच्चे जो हैं जा रहे हैं। यहाँ गाड़ी एक ऋषि जगह है, वहाँ पे रुकी हुई है और इसमें बच्चे अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। 3 स्तर की प्रतियोगिता क्वालिफाई करने के बाद ये जिला स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने जा रहे हैं और इन बच्चों के सारथी मिस्टर सूरज भट्ट जी हैं। बहुत ही अद्भुत प्रतिभा के धनी हसमुख व्यक्तित्व, और मैं चाहता हूं कि जब भी यात्रा शुरू हो इन्हीं के गाड़ी से हो, क्योंकि ये मुस्कुराते रहते हैं और मुस्कुराने वाला व्यक्ति हमेशा सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता रहता है और यात्रा भी मंगलमय हो जाती है। ये हमारी गाड़ी, ये इनकी गाड़ी है और मैं इनसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ। सूरज जी, आप निश्चित रूप से हमारे निवास स्थान के पास ही रहते हैं और आपके परिवारी जन का ही नीलकंठ महादेव आश्रम बनवाया गया है, तो मेरे साथ आपको कैसा महसूस होता है? बहुत बढ़िया। और आप जो है जब मुझसे मिलते हैं तो कैसा फील करते हैं? बहुत बढ़िया लगता है गुरु जी आपसे मिलके। अच्छा अच्छा, तो आप अल्मोड़ा के लिए जब मैंने आपसे बात किया जाने के लिए, तो आपने अपनी सहमति कुछ शंकाओं के साथ दी कि पूर्ण रूप से सशक्त होके दी? पूर्ण रूप से सशक्त होके। आपको खुशी हुई जाने में जी, कि चलूंगा मैं साथ में? आपको ये मन में नहीं आया कि मैंने किराया थोड़ा कम मिल रहा है या बुकिंग का पैसा कम मिल रहा है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ ना? क्योंकि और जगह आप जब बुकिंग करते हैं तो आपको ज़्यादा पैसे मिलते हैं, मुझे पता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा छात्रों का मामला था और सहयोग, आपसी सहयोग था, तो आप सहज तैयार हो जाते हैं किसी बात के लिए। और कभी कभी तो आप बहुत कम पैसे की डिमांड कर देते हैं, मुझे कहना पड़ता कि यार ये बहुत कम है, कैसे गाड़ी चलेगी? तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं आप, ईश्वर आपको भोलेनाथ का कल्याण करें और इसी तरह आप अपनी सेवाएं देते रहें और आगे भी हम उम्मीद करेंगे कि जो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हमारे छात्र जो है प्रतिभाग करने जा रहे हैं, जिला स्तरीय प्रतियोगिता में यहाँ पे प्रथम स्थान प्राप्त करके राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में देहरादून के लिए प्रस्थान करें और उसमें फिर आपके ही वाहन से हम लोग चलेंगे। बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत यात्रा, आधी यात्रा पूरी हो चुकी है हम लोगों की और हम आगे प्रस्थान करने वाले हैं। धन्यवाद। हर हर महादेव।